आज हम बात करेंगे कि बजट जो अभी बजट अपना लागू हुआ है, निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें क्या चीज़ें महंगी हुई और क्या चीज़ें महंगी हुई और क्या चीज़ें सस्ती हुई, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वाला वीडियो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं, सस्ते की बात कर लेते हैं फिर महंगी की बात करेंगे। तो पहले जो चीज़ें सस्ती हुई हैं उनके बारे में आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं, जो अभी जिनका ट्रेंड पे चल रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, पेट्रोल बचाओ, प्रदूषण मत फैलाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का यूज़ करो। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हुई हैं, स्कूटी हुई, कार हुई, जो भी इलेक्ट्रिक जो भी गाड़ियाँ हैं, मोटर्स हैं, वो सब क्या हुई हैं, सस्ती हुई हैं। उनका रेट कम होगा इस साल, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सस्ती बिकेंगी। एंड सेकेंड चीज़, मोबाइल फ़ोन और कैमरा लेंस, जो अपने मोबाइल फ़ोन होते हैं, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, उनकी कीमतें घटेंगी और जो कैमरा लेंस होते हैं उनकी कीमतें भी घटेंगी नए बजट के आने से। मोबाइल फ़ोन और कैमरे की कीमत घटेगी, वो सस्ते होंगे। एलईडी टीवी, आप घर में टीवी लगाते हो, एलईडी टीवी, उनकी कीमत भी घटेंगी, ठीक है। एंड जो खिलौने आते हैं, खिलौने होते हैं, साइकिल होते हैं, बच्चों के खिलौने, साइकिल्स, एंड जो आयातित ऑटोमोबाइल्स के जो सामान होते हैं, जो विदेशों से मंगाते हैं ऑटोमोबाइल के सामान, वो भी सस्ते होंगे। तो एक बार फिर से बता दूं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी, मोबाइल फ़ोन और कैमरा सस्ते होंगे, एलईडी टीवी सस्ती होगी, खिलौने, साइकिल और आयातित ऑटोमोबाइल्स सस्ते होंगे, ये चीज़ें सस्ती होने वाली हैं। तो जो जो ये चीज़ें लेने वाले थे 2023-24 में, वो जाकर अभी ले सकते हैं, ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। एंड फिर हम बात करते हैं महंगे की, क्या कौन सी चीज़ें महंगी होंगी। आप चांदी यूज़ करते होंगे, चांदी, सिल्वर, तो आप सिल्वर यूज़ करते होंगे। जो इंडिया का सिल्वर है वो तो ठीक ठाक रहेगा, अपने नॉर्मल रेट पर रहेगा, लेकिन जो विदेशों से चांदी आती है, दूसरे कंट्री से जो चांदी अपन आयात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वाली चांदी आपकी महंगी हो जाएंगी। दैन सेकेंड चीज़, सोना और प्लेटिनियम महंगा हो जाएगा। सोना के दाम तो बहुत कम नीचे करते हैं, सोना हमेशा महंगा रहता है, तो सोना के दाम फिर से बढ़ेंगे, सोना और प्लेटिनियम महंगा हो जाएगा। एंड बात करते हैं अब जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है कि सिगरेट जो है 16% महंगी होने वाली है, इनका रेट 16% बढ़ेगा। समझ लीजिए, सिगरेट पहले 8 रुपये की आती थी, वो 10 रुपये की आएगी, 11 रुपये की आएगी, इस टाइप से, ठीक है। तो सिगरेट के दाम महंगे होने वाले हैं, तो जो भी अभी जल्दी सिगरेट छोड़ के बेड़ी में आ जाओ तो ही फायदा आप है, तो आपको सिगरेट के लिए बहुत पैसे खर्च करना पड़ेगा। देन फिर फोर्थ नंबर पे एक्सपोर्टेड डोर्स, जो बाहर से विदेशों से जो अच्छे अच्छे दरवाजे मंगाते हैं, अच्छी अच्छी लकड़ियों के, ये जो भी दरवाजे हम बाहर से मंगाते हैं, विदेशों से जो इंडिया आते हैं, उनके दाम बढ़ने वाले हैं, एक्सपोर्टेड दरवाजों के दाम भी बढ़ने वाले हैं, और विदेशी किचन चिमनी, जो विदेशी किचन चिमनी होती है, उसके दाम भी बढ़ जाएंगे। तो एक बार आपको फिर से शॉर्ट कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दाम घटने वाले हैं, मोबाइल फ़ोन और कैमरा के दाम घटने वाले हैं, एलईडी टीवी के दाम घटने वाले हैं, खिलौने, साइकिल, आयातित ऑटोमोबाइल्स के दाम भी घटने वाले हैं, इम्पोर्टेड सिल्वर के दाम महंगे, मतलब जो बाहर से विदेशों से चांदी आती है उसके दाम बढ़ेंगे, सोना और प्लेटिनियम के दाम बढ़ेंगे, सिगरेट के दाम बढ़ेंगे, इम्पोर्टेड दरवाजे, जो बाहर से दरवाजे आते हैं उनके दाम बढ़ेंगे, और विदेशी किचन चिमनियों के दाम भी बढ़ेंगे। तो इन चीज़ों के घटेंगे। एंड आपको अभी समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड अगर आप बजट से रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिए कि आपको बजट से रिलेटेड कौन सी जानकारी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।